Hello students, my name is Amir and I'm from A1 Coaching. So students, last video में हमने अपना 4th chapter accounts का basis of accounting complete कर लिया था और आज हम start करने जा रहे हैं अपना next chapter जिसका नाम है accounting equation. Okay बच्चों, तो आज हम start करने जा रहे हैं अपने accounts का practical portion, जितना भी theory portion था हमने उसको कंप्लीट कर लिया है. तो जिन लोगों ने अभी वो वीडियोस नहीं देखी हो या थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो उन सब के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वो जाके वहां पर देख सकते हैं उन वीडियोस को. ओके बच्चों, तो चलिए आज अपना न्यू टॉपिक अकाउंटिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. और जो लोग पहली बार आए हो चैनल पे वो लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको अकाउंट्स की सारी वीडियो इसी तरह हमारे चैनल पे मिलती रहेगी. ओके बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो चलिए बच्चों अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन. बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है. इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इतना सीखना है कि हम अपने अकाउंट्स को, जो अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, उसको हम किस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. फिर सुनिए, जो अपने अकाउंट्स हम बनाएंगे उसको हम किस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बस हमें इस चैप्टर में यही सीखना है, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं. ठीक है, तो अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमें पहले बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए. ये भी आप लोगों के लिए एक नई चीज है जिसके बारे में आपको नहीं पता है. तो मैं पहले आपको बैलेंस शीट समझा देता हूँ क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि अपने अकाउंट्स को, अपने बैलेंस शीट को हम किस तरह से अपनी इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है. तो बैलेंस शीट बच्चों क्या होता है? स्टेटमेंट होता है. क्या होता है? स्टेटमेंट होता है. ठीक है, ये एक अकाउंट नहीं होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि अपनी बैलेंस शीट में हम एक साइड सारी एसेट्स को लिखते हैं और एक साइड जितनी भी लायबिलिटीज होती है उसको लिखते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है एक साल के बाद, क्या उसकी उसकी कितनी एसेट्स है, उसकी कितनी लायबिलिटीज है, उसको हम लोग अपने बैलेंस शीट में लिखते हैं. ठीक है, एक साइड एसेट, एक तरफ लायबिलिटीज को लिखते हैं और लास्ट में दोनों की एसेट्स और दोनों की लायबिलिटीज का जो टोटल होगा वो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा. बस इसी चीज को हम बैलेंस शीट में करते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में कि हमारी जितनी भी एसेट्स होती हैं वो हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होती हैं. ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता है, और जिनको नहीं पता है वो लोग जाके मेरे पहले पुरानी वीडियो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स उसको देखें, तब उनको समझ में आ पाएगा. क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको टर्म्स तो पता ही होंगे. अगर वो नहीं पता है तो बच्चों बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी. आप पहले उस वीडियो को देखें, उस चैप्टर को समझें, उसके बाद इसको देखें, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ठीक है, तो अब जब कभी भी एक चीज याद रखिएगा, जितनी भी एसेट हमारी बनती है उसको बनाने का दो ही तरीका होता है. पहला तरीका ये होता है कि जो बिजनेसमैन है वो खुद से पैसा लगाए, और जब कोई बिजनेसमैन खुद से पैसा लगाता है उस पैसे को, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कैपिटल. तो खुद से पैसा लगाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल. या फिर दूसरा तरीका होता है एसेट बनाने का अपने बिजनेस में. ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि हम किसी आउटसाइडर से, मीन्स किसी बाहर वाले से पैसे लें और अपनी एसेट्स को खरीदे, अपनी एसेट्स को बिजनेस में बनाए. तो बाहर से पैसा लेंगे तो वो कौन होगा? या तो बैंक लोन लेंगे या फिर क्रेडिटर्स लेंगे. और जिन लोगों से हम बाहर से पैसा ले सॉरी जिन लोगों से हम बाहर से पैसा लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज. तो हमेशा याद रखिएगा, जो मेरा है मीन्स जो बिजनेस का है वो एसेट्स है, और जो मेरा नहीं है, मुझे वापस करना है, किसी से मैंने लिया हुआ है, वो क्या होता है? लायबिलिटीज. तो जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज और कैपिटल है वो हमेशा यहाँ पर क्या होगी? हमेशा सेम टू सेम होगी. एग्जांपल मान लीजिए, मैंने एसेट्स को खरीदने के लिए कैपिटल लगाई. कितने की लगाई? 1.5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई. ठीक, और जितनी ये एसेट्स हैं टोटल कितने लाख की हैं? सपोज मान ली 3 लाख की है. ठीक, अब कैपिटल मैंने 1.5 लाख लगाई. 1.5 लाख रुपए मुझे कम पड़ रहे थे एसेट्स खरीदने में, तो मैंने किसी से उधार लिया 1.5 लाख रुपए का.
ठीक है, और ये एसेट्स मैंने सारी खरीदी। तो अब 1.5 लाख की कैपिटल लगाई थी, 1.5 लाख की लाइबिलिटीज थी, 1.5 लाख और 3 लाख का पूरी एसेट्स थी। तो देखिए टोटल करेंगे तो इधर साइड कितना आएगा 3 लाख, इधर दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 3 लाख, मींस इधर भी 3 लाख और 3 लाख। तो ये क्या कर रहा है, टैली कर रहा है। तो बस यही चीज हमेशा बैलेंस शीट में टैली करता है। बस आपको इतना याद रखना है, एक तरफ एसेट लिखते हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज लिखते हैं, और दोनों का टोटल हमेशा क्या करता है, आपस में टैली करता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। और इसी को जो टैली कर रहा है, इसी चीज को हमें अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है देख लीजिए, इसमें क्या बोला था, बोल रहा है इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कह रहा है जितनी भी एसेट्स होती है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होती है, मींस बराबर होती है। और यही चीज हमने बैलेंस शीट में लिखी है, जितनी एसेट्स है हमारी 3 लाख वही लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर है। समझ में आया। तो अब इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, हमारी एसेट कितनी है 3 लाख, तो एसेट की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 3 लाख। ठीक है, 1 लाख। ठीक, अब लायबिलिटीज हमारी कितनी है यहाँ पर 1.5 लाख की, तो हम लोग लाइबिलिटीज के लिए भी क्या लिख देंगे 1.5 लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakhs। फिर कैपिटल हमारा कितना है, कैपिटल हमारी कितनी है 1.5 लाख, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakhs। अब देखिए अकाउंटिंग मैच कर रही है, इक्वेशन मैच कर रही है कि नहीं, 3 लाख हमारी क्या है एसेट, और 1.5 लाख और 1.5 लाख ये दोनों टोटल 3 लाख, तो 3 लाख 3 लाख दोनों क्या हो गया मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये अकाउंटिंग हमारी इक्वेशन क्या है मैच कर रही है, मींस हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। बैलेंस शीट को हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। बस इसी चीज को रिप्रेजेंट करना हमें इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं, पहले मैं उसको बता देता हूँ फिर क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, आज मैं खाली आपको पूरा बेसिक समझा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने पाए। जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं आपके जो रूल्स हैं उसको मैं समझा देता हूँ। ओके, जल्दी से लें। ओके स्टूडेंट, तो चलिए कुछ बेसिक रूल्स हैं इस चैप्टर को, इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने। ओके तो बच्चों कुछ बेसिक रूल्स हैं इस चैप्टर में जिसको हमें पता होना चाहिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या रूल्स होते हैं। ओके तो फर्स्ट है हमारा, एवरी ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट 2 इफेक्ट। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके क्या होंगे 2 इफेक्ट होंगे। 2 इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जस्ट सपोज मान लीजिए आपने कोई भी सामान बेचा, ठीक है, आपने मार्कर बेचा, आपके पास कैश आया, सामान मतलब क्या हुआ मार्कर गया कैश आया, आपने कोई मशीन बेची आपके पास से मशीन गई आपके पास क्या आया कैश आया। जस्ट सपोज मान लो कि आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है, आपने ये बोर्ड जो है व्हाइट बोर्ड क्या किया खरीदा, आपके पास बोर्ड आया आपके पास से क्या गया, क्या गया बोलिए कैश गया। तो क्या हो रहा है, 2 चीजें मतलब एक चीज आ रही है एक चीज जा रही, तो हर चीज के हर ट्रांजेक्शन की कितना होंगे 2 इफेक्ट्स होंगे, एक चीज आएगी तो एक चीज जाएगी। क्लियर। सेकेंड क्या है, एवरी एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या होता था बच्चों, जो भी पैसा हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल। तो ये क्या बोल रहा है, एवरी एक्सपेंस जितने भी खर्चे होंगे वो कहां से डिडक्ट होंगे कैपिटल से। अब भाई जहां से पैसा लगाया है तो अगर हम खर्चा करेंगे बिजनेस में तो पैसा कहां से जाएगा, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि वो कहां से जाएगा कैपिटल से कट होगा। उसके बाद थर्ड क्या है, एवरी इनकम विल बी एडेड इन कैपिटल। अब जितने भी खर्चे होंगे वो कैपिटल से डिडक्ट होंगे कटेंगे, लेकिन जितनी भी हमारी इनकम होगी वो कहाँ बढ़ेगी कैपिटल में ही बढ़ेगी। कहाँ बढ़ेगी कैपिटल में, जितनी भी इनकम होगी तो हम लोगों को ऐड कर दे रहा है और जितनी भी एक्सपेंस होंगे उसमें हम लोगों को माइनस कर देना है। ये रूल्स है, जब हम लोग अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अभी इतना आप याद रखें कि जब हमारा खर्चा होगा तो उसमें हमें कैपिटल में माइनस करना है, जब हमारी इनकम होगी तब हमें कैपिटल में ऐड करना है। ठीक, लास्ट है, इक्वेशन शुड ऑलवेज बी मैच। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक सी चीज, कि जो भी हमारी इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमेशा क्या होनी चाहिए
मैच होनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं पे प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो हमेशा ये क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है थे सॉरी ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो मुझे आपको बताने थे, और इसको आप सब देख ले, एक बार रिवाइज कर ले अच्छे से जो मैंने आज जितना भी पढ़ाया, ताकि मैं जब कल कराऊं तो आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने पाए। अगर किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो वो इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं भी करे, कमेंट सेक्शन से कमेंट करके पूछे, मैं सबका रिप्लाई करूंगा, एक एक का बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सके। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।